गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी कव टूल का रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आपको याद है कि आपने पिछली क्लास में कौन कौन से चित्र को बनाया था? पिछली क्लास में आपने क्लिप आर्ट, माउंटेन, फ्लैग, पत्ते का चित्र को बनाया था। सामने दिए गए चित्र में भी ऑप्शन वाला चित्र कव टूल का है। क्या आप बता सकते हैं कर्व टूल को कितनी बार मोड़ सकते हैं? कर्व टूल को दो बार मोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी जरूरत के अनुसार उसको एक बार भी मोड़ सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में आप सभी कर्व टूल के द्वारा चित्र को बनाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। सीनरी, फेस, पत्ता जिसके अंदर कलर फिल होगा, बो और एरो और भी बहुत से चित्र को बनाएंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह एक सीनरी का चित्र है। सामने दिए गए चित्र को देखें, क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी कर्व टूल का उपयोग करेंगे और कलर को फिल करने के लिए आप सभी फिल विद कलर का उपयोग करेंगे। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखें। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद फिर ऐसे अपने पेंट के शीट पे ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप उसे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहां से ऊपर की तरफ उसे रोटेट करें। उसके बाद यहां से ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करें, फिर एक बार क्लिक कर दें। उसके बाद अपने पॉइंटर को यहां पे रखें। फिर उसके बाद यहां से ऐसे लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें। फिर उसके बाद इसे ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर यहां से ऐसे लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप इसे ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करें। और यहीं पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहां से ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहां से ऐसे ऊपर की तरफ उठा दें। फिर यहां से ऊपर की तरफ ऐसे उठा दें या रोटेट करें, और यहीं पे एक बार और क्लिक कर दें। फिर यहां से
ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे ऐसे रोटेट कर दें ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहां से ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर दें। और फिर क्लिक कर दें। उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, दोनों में सेम कलर लें, फिर यहां पे ऐसे ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को चेंज करें। कलर वन को चेंज करने के बाद आप लाइन टूल को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे लाइन को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को ड्रैग कर लें, फिर आप फिल विद कलर पे जाएं, उसे सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें, यहां पे कलर को फिल करें, फिर कलर को चेंज करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर कलर को फिल कर दें, फिर कलर वन को चेंज करें, यहां पे कलर को फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें, यहां पे कलर को फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें और यहां पे कलर को फिल कर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह एक फिश का चित्र है। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं। अब आप इस चित्र को बनाकर दिखाएं, और अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फिश यानी मछली के चित्र को कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को कर्व टूल के ऊपर लेकर आएं और सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर ऐसे सीधी लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें, फिर इसे यहां से ऊपर की तरफ रोटेट करें, और यहां पे क्लिक कर दें, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे एक सीधी लाइन या कर्व को ऐसे ड्रैग करें
उसके बाद फिर ऐसे नीचे की तरफ इसे रोटेट कर दें और यहाँ पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और इसे ऊपर की तरफ ऐसे लाइन या कर्व को ड्रैग करें और उसके बाद यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर दें और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ लेकर आएं ड्रैग करें, उसके बाद इसको यहाँ से इधर की तरफ रोटेट कर दें। फिर यहाँ से ऐसे कर्व टूल को या लाइन टूल को ड्रैग करें, लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ से ऐसे रोटेट कर दें इसे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर दो बार रोटेट करने के बाद क्लिक कर दें। फिर यहाँ से ऐसे लाइन या कर्व को मिला दें, फिर इसको ऐसे रोटेट कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें या कर्व को ड्रैग करें और दो बार क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन को या कर्व को ड्रैग करें और उसे ऊपर से रोटेट कर दें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें और इधर उसको इधर की तरफ रोटेट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर साइज पे जाएं, क्लिक करें परफेक्ट साइज को लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे सीधी एक लाइन को ड्रैग कर दें या कर्व को ऐसे सीधा ड्रैग करें और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर उसके बाद इरेजर टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसे इरेज कर दें, यानी कि मिटा दें। फिर यहाँ पे ऐसे इरेज कर दें। इरेज करने के बाद फिर से कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को या कर्व को ड्रैग करें, उसके बाद साइड से परफेक्ट साइज को लें और फिर यहाँ से ऐसे रोटेट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन को या कर्व को ड्रैग करें, फिर इधर की तरफ इसे रोटेट कर दें और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग करें
उसके बाद यहाँ से अगर गलती होता है तो उसे अंडू करके हटा लें और फिर से दोबारा से उस लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर दूसरी तरफ ऐसे लाइन को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे हम इसलिए लाइन को ज्वाइंट कर रहे हैं क्योंकि बीच में गैप रह गया था। तो लाइन टूल के द्वारा इसे मिला देंगे। आप सभी ध्यान दें इसको कि ज्यादा गैप ना हो। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह एक वेल का चित्र है, क्या आप बता सकते हैं इस चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप कर्व टूल का उपयोग करेंगे। अब आप इस चित्र को बनाएं, अगर फिर भी इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इसका चित्र कैसे बनाते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को कर्व टूल के ऊपर लेकर आएं और इसे सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइन या कर्व टूल को ड्रैग कर लें, फिर उसके बाद इसे ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करें या उठाएं और फिर एक बार और क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन को ड्रैग करें या कर्व टूल को ड्रैग करें और यहीं पे डबल क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहां से ऐसे लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें, उसके बाद यहां से ऐसे उसे ऊपर की तरफ रोटेट कर दें या उठा दें और डबल क्लिक कर दें। फिर ऐसे नीचे की तरफ कर्व टूल को ड्रैग करें, यहां से ऐसे इसे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर दें, फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह कर्व टूल बन जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैग करें कर्व टूल के द्वारा और उसे डबल क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन को ड्रैग करें या फिर कर्व को ड्रैग करें और फिर उसे ऊपर की तरफ ऐसे हल्का सा उठा दें या रोटेट कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद इरेजर टूल पे जाएं, इरेजर टूल को सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं।
यहाँ पे इरेज कर दें या फिर मिटा दें। उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट करें, ऐसे एक लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें, उसके बाद इधर की तरफ इसे रोटेट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें और उसे यहाँ से घुमा दें, ऐसे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप फिश का चित्र को बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र को क्या कहते हैं? इस चित्र को बो और एरो कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह चित्र कौन से टूल को मिलाकर बना हुआ है? यह चित्र कर्व टूल, लाइन टूल और टेक्स्ट टूल को मिलाकर बना है। अब आप सभी इस चित्र को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और फिर कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें। अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक छोटी सी लाइन या कर्व टूल को ऐसे ड्रैग करें, उसे रोटेट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे एक बार ऊपर की तरफ रोटेट करें और वहीं पे एक बार और क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद से अपने पॉइंटर को जहाँ पर लेकर आएं और लाइन टूल को सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करें। अगर गलती हो जाता है तो आप उसे अनडू करके हटा के दोबारा से लाइन को ड्रैग कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आएं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें। उसके बाद फिर से आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे कर्व टूल पे लेकर आएं और इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे लाइन या कर्व टूल को ऐसे ड्रैग कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ड्रैग करने के बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें। आप इसे दो जगह से रोटेट कर सकते हैं या फिर एक और लाइन या कर्व टूल को जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ड्रैग करें और फिर उसे यहाँ से आगे की तरफ रोटेट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर यहीं पे एक बार और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। फिर आप कर्व टूल से ही एक ऐसी सीधी लाइन को ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ड्रैग करने के बाद उसे ऐसे फिर रोटेट कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर यहीं पे एक बार क्लिक कर दें। फिर उसके बाद लाइन टूल को सेलेक्ट करें,
लाइन टूल को सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें। फिर उसके बाद एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे एक और लाइन को ड्रैग करें, पॉइंटर को साइड में रखें, फिर एक और लाइन को ड्रैग करें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए कर्व टूल, ओवल टूल, पॉलीगन टूल का उपयोग करेंगे। क्या आप बता सकते हैं एक फेस से ज्यादा फेस को बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं, एक फेस से ज्यादा फेस को बनाने के लिए आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करेंगे। अब आप इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से बनाना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और फिर ओवल टूल को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर ऐसे ओवल को ड्रैग करें, उसके बाद अपने पॉइंटर को सेलेक्ट टूल पे लेकर आएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद इसे पूरा सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसे कट कर लें। कट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करें। उसके बाद अपने पॉइंटर को लाइन टूल पर लेकर जाएं, लाइन टूल को सेलेक्ट करें, फिर अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर वन कलर टू दोनों में सेम कलर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को वाइट करें, फिल पे जाएं, नो फिल करें, ऐसे एक छोटा सा ओवल को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। साइज पर जाएं, क्लिक करें, यहां से एक परफेक्ट साइज को लें। उसके बाद फिल पे जाके सॉलिड कलर लें, कलर टू को ब्लैक लिख कलर करें, या जो फिर कलर वन में है वो उस कलर को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, इस ओवल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉपी करें और फिर पेस्ट करें और इसे पिक करके यहाँ पे लेकर आएं। जब लेकर यहाँ पे आएंगे देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड वाइट कलर से आ रहा होगा। इसे ठीक करने के लिए आप सेलेक्ट टूल पे जाएं, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, कलर टू को वाइट कर लें, उसके बाद पेस्ट करें। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने कलर टू को वाइट नहीं किया था। और उसके बाद सेलेक्ट से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करना था। फिर अब आप इसे पिक करके यहाँ पे रख सकते हैं,
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप इसे पिक करें, सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे रख दें। अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, कर्व टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसे रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर दोबारा से यहाँ पे ऐसे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर लें। अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसे अंडू करके हटा लें और फिर दोबारा से कर्व टूल को ड्रैग करें। और उसे नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करें और यहीं पे क्लिक कर दें। फिल विद कलर को सेलेक्ट करें और इसके अंदर कलर को फिल कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर फिल करने के बाद आप फिर से कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर उसे ऐसे रोटेट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और कर्व टूल को ड्रैग करें, उसे ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करें या रोटेट करें। फिर यहां से ऊपर की तरफ एक बार और रोटेट करें। फिल विद कलर को सेलेक्ट करें और यहां पे कलर भर दें। पॉलीगन टूल को सेलेक्ट कर लें यहां पे ऐसे एक पॉलीगन को ड्रैग करें या सीधी एक पॉलीगन को यहां पे ड्रैग करें। फिर ऊपर की तरफ इसे ले जाएं, यहां से नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद पॉलीगन को नीचे की तरफ लेकर आए और यहां पे ऐसे मिला दें। उसके बाद फिल विद कलर पे जाएं, कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें और यहां पे कलर को भर दें। अब फिर से सेलेक्ट टूल पे जाएं क्योंकि हमें अभी से कॉपी पेस्ट करना है। सेलेक्ट टूल पे जाने के बाद
आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें या सेलेक्ट टूल पे ही क्लिक कर दें और उसके बाद इसे पूरे चित्र को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कॉपी करें और फिर पेस्ट करें और फिर उसे पिक करके यहाँ पे लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर किसी का चित्र पिक करके उठा के यहाँ पे रखने में बैकग्राउंड उसका वाइट हो रहा है तो वह सेलेक्ट टूल पे जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें, फिर से आप पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रखें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रखें। फिर से पेस्ट करें, पिक करके यहां पे रखें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी अपने पेंट की फाइल को सेव करें और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आप सभी ने कर्व टूल का अभ्यास किया और इसके उपयोग से बहुत से चित्र को बनाया, जैसे कि सीनरी, फिश, बो और एरो और भी बहुत से चित्र को आपने बनाया।